नहीं होते हैं, रिकॉर्ड में लगा देते हैं जितना भी देर क्लास चले बाबू, सेन आज पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग डालें। तो देखिए प्लस थ्री प्लस फाइव इसको अगर ऐड करते बाबू तो इसके साथ हमारे एडिशन में इश्यू पॉइंट्स नहीं आता, आप उन्हें ऐड कर दीजिए। लेकिन हमारे साथ इश्यू कब आता, हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है, जब बाबू हम लोग क्या करते हैं अगर दोनों माइनस रह जाए, ठीक है, माइनस थ्री माइनस फाइव अगर बाबू बोथ साइन ये बोथ नंबर अगर बाबू अगर निगेटिव आ जाए तो हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने क्या सोचा बाबू कि इसको हम लोग कैसे ऐड करें, या बाबू एक नंबर पॉजिटिव रह जाए और एक नंबर निगेटिव रह जाए बाबू और एक नंबर अगर पॉजिटिव रह जाए, है ना, तो फिर कैसे करें, या बाबू जो बड़ा नंबर है वो निगेटिव हो जाए और जो स्मॉलर नंबर है बाबू वो पॉजिटिव हो जाए तो फिर इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो मैथमेटिशियन है बाबू, ठीक है ना, जो हमारे मैंने जो पूर्वज हैं उन्होंने एक तरीका बता दिया, ठीक है ना, कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे इस तरह से हैंडल करो। कैसे सर? देखिए कैसे, अगर बाबू एकदम सिंपल से एकदम शांति से सुनिए, ठीक है ना, शांति से सुनिए आप लोग। अगर दोनों नंबर निगेटिव है, इफ बोथ नंबर आर निगेटिव बाबू, देन एड दीज टू नंबर। ओके, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश ना बाबू, सभी इंग्लिश में कंफर्टेबल हो ना बाबू। अगर बोथ नंबर आर निगेटिव बाबू, दोनों का दोनों नंबर अगर निगेटिव है तो इसको आंख मुनिए, क्लोज योर आईज बाबू एंड एड दीज नंबर। तो थ्री और फाइव को एड कर दीजिए, जैसे हम लोग एड करते हैं, थ्री प्लस फाइव को क्या कीजिए बाबू, एड कर दीजिए, ठीक है सर। थ्री प्लस फाइव क्या हो गया, एट हो गया। अब क्या कहा, ठीक है ये तो एट अच्छी बात है, अब साइन क्या आएगा, इसके आगे साइन क्या आएगा बाबू, प्लस आएगा या माइनस आएगा, है ना, इसके आगे साइन क्या आएगा बाबू मेरा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा सालनी, माइनस सर। हाँ तो यही सब ठीक है, चलिए ठीक है ना। तब प्लस आएगा कि माइनस आएगा बाबू हमको कैसे पता, तो उन्होंने बताया जो हमारे सीनियर मैथमेटिशियन है ना, जो साइंटिस्ट है, उसने क्या कहा बाबू कि अगर दोनों निगेटिव रहेगा ना तो उस केस में आप माइनस लीजिए, इसको सिंपली ऐड कर दीजिए और आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। यहां तक बात समझ में आया आर्यन? आर्यन यस सर। हाँ तो खाली ऐसे था, अभी अभी नेक्स्ट टाइम से ना आपको आएंगे सीटें बहुत मार मारेंगे आपके, तो पूरे गुस्सा आता है, जितना बताते शांति से सुनिए, नहीं दिखता है तो बोलिए सर हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, होमवर्क देते उसको कंप्लीट कीजिए, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या कहा बाबू, उसके बाद मैथमेटिक्स एकदम शांति से सुनिए, इंटरेस्ट ना जगता है, सब इंटरेस्ट जगह, पैसा वाला याद रहेगा तुम ना। उसके बाद क्या कहा बाबू, अगर एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, दिस नंबर बाबू पॉजिटिव है, प्लस फाइव क्या मेरा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इस केस में उसने क्या कहा बाबू, इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब कोई बड़ा छोटा रहे, है ना, बड़े छोटे को मत देखिए, अगर एक नंबर पॉजिटिव है बाबू, एक नंबर अगर निगेटिव है तो उसको सिंपली सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो इसको सिंपली क्या कीजिए बाबू, सबट्रैक्ट कर दीजिए। अब फिर हमारा डाउट होता है कि इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा सर कि निगेटिव साइन आएगा, तो ये बोला मैथमेटिशियन ने, ये बोला बाबू कि जो बड़ा नंबर है ना उसका मैग्नीट्यूड देखे, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू देखते हैं, उसका वैल्यू को देखते हैं, अगर वैल्यू का जो जो बड़े नंबर का जो साइन होगा बाबू, है ना, जो बड़े नंबर का साइन होगा कि नहीं, वही मेरा क्या होगा बाबू, रिजल्ट का साइन आएगा। तो इसमें बड़ा कौन है सर, थ्री फाइव में, ये तो हमको पता है कि थ्री फाइव में बड़ा कौन है, विच नंबर इज ग्रेटर बाबू, आर्यन बाबू अब ये भी नहीं बताएगा, थ्री फाइव में विच वन इज ग्रेटर, चलिए ओके बाबू, तो फाइव के आगे क्या कौन सा साइन है बाबू, आप ही लोग सब पढ़ेंगे, अब हमको नहीं पढ़ाना है, फाइव के आगे, हाँ बोलिए सर, फाइव के आगे साइन प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या देंगे बाबू, प्लस साइन देंगे, है ना, ठीक है, आप लोग अपना अनम्यूट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बाबू क्या कहता है, यहाँ भी तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बाबू, ठीक है, यहाँ भी क्या एक पॉजिटिव एक निगेटिव है ना, तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब भी एक पॉजिटिव नंबर मिले एक निगेटिव नंबर मिले बाबू, इसको भी आप लोग क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे सीनियर हमारे टीचर हमको बताया, हम आपको फिर बता रहे, ठीक है, आप भी धीरे धीरे बड़े होइएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आप भी अपने स्टूडेंट को ऐसी करके बताइएगा, ठीक है ना, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे जो टीचर बताए वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, आपको हम जो बताएंगे फिर वो आप अपने जूनियर को बताइएगा, अपने छोटे छोटे भाई को बताइएगा, ठीक है ना, तो इसी तरह से चलता है बाबू, सीक्वेंस ऑर्डर इसी तरह से चलता, ज्ञान का फ्लो इसी तरह से होता है। तो यहाँ बाबू क्या एक निगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो जब भी एक निगेटिव साइन रहता है एक पॉजिटिव साइन रहता है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए बाबू, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो फाइव में थ्री साइन मत देखिए, जब भी एकदम शांति से सुनिए, जब भी एक पॉजिटिव साइन रहा है एक निगेटिव साइन रहा बाबू, तो इसको सिंपली क्या कीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, और डोंट सी द साइन बाबू, है ना, साइन मत देखिए, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो फाइव में थ्री सबट्रैक्ट करेंगे क्या होगा सर, टू होगा।
आफ्टर बाबू, आफ्टर देन क्या कीजिए, देखिए कि बड़ा नंबर कौन है, जो बड़ा नंबर है बाबू उसका साइन देखिए, बड़ा नंबर कौन है सर, ओपन योर आइज, नहीं होता ना तो चार अक्ष लगा के देखिए, ठीक है ना, तो बड़ा नंबर कौन सा बाबू इस दोनों में बताओ शालिनी बाबू। सर फाइव। तो फाइव, ठीक है बाबू, तो बड़े नंबर का जो साइन आएगा, बड़े नंबर का जो साइन आएगा बाबू, वही मेरा आपको जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसी का साइन होगा। अब बताओ आरन कहानी समझ में आया, ये चार पॉइंट आपको बताए जो कहानी समझ में आया बाबू, आरन टेल मी। सर समझ आ गया। तो आ गया तो आप ऐसे क्यों करते हो, क्यों नहीं होमवर्क बनाते हो, क्या इश्यू हो जाता है? अभी तो समझ आ गया ना। हाँ तो आ गया ना, तो अब इसी को थोड़ा सा लिटरेचर में लिख देते, थोड़ा सा लिटरेचर में लिख देते, उसके बाद आपको एग्जांपल देते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, जो बताए बाबू जो बताए इसी को थोड़ा सा लिटरेचर में लिख देते हैं ना, ताकि अच्छा भी लगे ना। चलिए अब सुंदर से अब फिर क्यों नहीं कर रहे आरन बाबू, अरे वह फेयर क्यों नहीं कर रहे हो आप, फेयर क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ सर स्टार्ट किया हूँ करना, मतलब स्टार्ट किया हूँ। कब से स्टार्ट किए, कब से किए हो? सर कल से स्टार्ट किया हूँ, कर रहा हूँ अभी तो। बहुत शैतान हो आप, तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए बाबू क्या एक प्लस, ठीक है एक प्लस साइन है बाबू, और सेकेंड भी आपका क्या है प्लस है, हमको एडिशन परफॉर्म करना, तो प्लस प्लस बाबू साइन आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस प्लस को ऐड करेंगे बाबू आपका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। नेक्स्ट बाबू क्या माइनस है, माइनस माइनस बाबू क्या होगा, ऐड होगा, माइनस साइन, माइनस साइन क्या होगा बाबू, ऐड होगा, तो इसमें साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। एक बाबू क्या है प्लस है, और एक बाबू क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस को ऐड करेंगे बाबू तो साइन क्या होगा, साइन अकॉर्डिंग टू बाबू, साइन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बाबू वैल्यू ऑफ नंबर या मैग्नीट्यूड कहते हैं, जैसे आपका कैसे दो नाम है तो उसी तरह से बाबू वैल्यू उसका बोलिए या उसका मैग्नीट्यूड बोलिए, तो आप लोग थोड़ा लेवल हाई कीजिएगा ना, सब दिन कैसे मैंने लोअर क्लास में रहिएगा, तो थोड़ा सा लेवल हाई करके बढ़िया मीनिंग सीखिए बाबू, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना, या इसी को क्या कहते हैं बाबू वैल्यू कहते हैं, है ना, साइन अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड या वैल्यू, है ना। क्या दिक्कत हो गया अभी बोर्ड में आप लोग को, किसको नहीं दिखा, दिखाया। चलिए ठीक है बाबू, अच्छी बात है ना, तो ये दोनों में बाबू प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, ठीक है प्लस माइनस रहे बाबू या माइनस प्लस रहे, ठीक है ना, तो ये दोनों में सेम ही आता है कंसेप्ट, दोनों का बाबू क्या है सेम ही है, जो साइन होगा बाबू, जो साइन होगा मेरे बाबू, जो साइन होगा साइन या तो प्लस होगा या माइनस होगा, किस पे डिपेंड करेगा बाबू, किस पे डिपेंड, ये दोनों में बाबू साइन प्लस होगा, देखो ये जो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है बाबू, ये जो इक्वल टू साइन है यहाँ, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, थोड़ा समझिए आप लोग, थोड़ा अपना लेवल हाई कीजिए, क्या होगा बाबू साइन अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ, अकॉर्डिंग टू बाबू मैग्नीट्यूड कीजिए, साइन अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड या बाबू वैल्यू ऑफ किसका बाबू नंबर, इसको अभी रात में लिखिए उसके बाद फेयर में लिखिएगा, लिखिए इतना पॉइंट, अरे फेयर चेक करेंगे नहीं रहेगा ना तो पीटेंगे, एक बार तैयार करेंगे पीटने के लिए, बहुत मार मारेंगे जिस दिन आएंगे बाबू, लिखो आरन बाबू, शैतान हो गया कि तो आप लोग पढ़िएगा नहीं। सर ये तो पहले से मैं लिख चुका हूँ ना कॉन्सेप्ट ऑफ साइन का, तो लिख चुके हैं बाबू, तो आप लोग क्यों नहीं याद रखते हो, लिखिए रद्दाप में लिखिए, अभी लिखिए, अब क्वेश्चन देते हैं, अब बता देना, अब जल्दी लिखिए, आनंद बाबू आप इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर कर रहे हो आनंद? यस सर कर रहे हैं। कितना तक ले इलेक्ट्रिक करंट वाला पहुंचे हो आप, उसको कवर कीजिए धीरे धीरे, नहीं आएगा कॉल करके पूछिएगा, है ना, ठीक है सर। फिजिक्स वाला कवर कीजिए, मैथ इधर से धीरे धीरे चल रहा है अपना सीखिए, शैतान, तो ये दोनों को थोड़ा सा हेल्प क्यों नहीं कर देते बाबू, आनंद
लोग मेरे घर आते हैं? जाता ही नहीं है। चालनी बाबू फिर ये वीडियो क्यों बंद कर लेते बाबू? रहने दीजिए ना, वीडियो आप लोग बंद करने का सही नहीं है क्या बाबू? क्या दिक्कत हो गया चालनी? नहीं सर कुछ नहीं। तो ऑन रखिए वीडियो, तब ना हमें पता चलेगा कि आप लोग हो कि नहीं हो। वीडियो बंद मत कीजिए, है ना? जैसे भी है बाबू, आप देखिए यहाँ पे कोई है एक्स्ट्रा? कोई नहीं है। आप ही हो, आनंद हो, आरन हो, एक अन्यथा बाबू है। अन्यथा तो आपसे भी क्यूट है ना? वो पूरी भोली है, इतनी भोली है ना बाबू। उसके बारे में देखो कहानी बताते हैं। उसके पापा, एक फ्रेंड आए उसके पापा के यहाँ, है ना? फिर अरे ये अन्यथा के पापा बोले कि जाके मैंने उनसे बोल दो कि मेरे पापा जी घर पे नहीं है। तो अन्यथा जाके क्या बोलती है कि पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। नहीं समझ में आया किसी को? नहीं समझ में आया क्या बोली थी? सब समझ गए। साले नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर, समझ में आ गया आपको? आपको आ रहा है समझ में आया? इसमें भी डाउट है सर? यस सर, समझ आ गया। क्या समझ में आया बताइए तो सर। प्लस होता है, फिर माइनस, माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस में जो मतलब बड़े नंबर का साइन होता है वही। अरे अभी जो आप हम बताए ये वाला कहानी पापा वाला, ये वाला समझ में आया? ये माइंड देने की जरूरत नहीं है पर समझ आ गया। मतलब कि इतने बोले पापा बोल रहे हैं कि घर में नहीं है बोल दिए। तो ये भी तो पूछ लो ना कि सर सच भी बोल रहे हैं नहीं। चलिए इतनी भोली हमारी अन्यथा, ठीक है ना? चलिए पहले ये भी बता दीजिए कि हम इतने भी भोले नहीं है, ये सब झूठा था कहानी। चलिए अब इसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए बाबू क्या है, अब आप लोग खुद कीजिए, हम नहीं बताएंगे। क्या बाबू? 10 10 + 10 हाउ मच बाबू? सेकेंड में 10 बाबू माइनस 5 थर्ड बाबू। आप लोग खुद के बच्चा वाला, अगर ये भी नहीं होता बाबू तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना? हमको फिर रोना आ जाएगा। माइनस 10 बाबू प्लस 5, ठीक है? एक बाबू नेक्स्ट फोर नंबर क्या बाबू? माइनस 10 माइनस 5। सीक्वेंस ऑर्डर सही ले लेते, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, और थर्ड में हमने क्या लिया बाबू? प्लस माइनस लिया, और यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए। अब इसका बताइए, चार क्वेश्चन है ना? 10 + 10 कितना होगा आरन बाबू बताइए? हम बताएं सर, प्लस 20। अच्छी बात है। इसका नेक्स्ट बताइए, -10 - 5। सर -10 - 5 का -5, सॉरी -15। इसका बताइए, आप ही से पूछा है, नेक्स्ट और एग्जांपल दे रहे हैं। इसका बताइए -10 + 5 सर -5। नेक्स्ट बाबू +10 और -5, +10 - 5 तो सर +5। चलिए लिखिए सालनी बाबू, इसको सुंदर सा लिखिए, फिर में लिखिए आगे दे रहे हैं। इसी पे पहले क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे करवाएंगे। लिख लिया, लिख लिया ना? तो आगे देखिए मल्टी एडिशन है ना, तो इसके नीचे ही लिखना है कॉपी में बाबू। आप जहाँ एडिशन लिखते हो, मान लीजिए हम यहाँ एडिशन लिखते हैं, इसके नीचे ही बढ़ते जाना, फिर मल्टीप्लिकेशन बीच में होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन के नीचे लिखना, फिर डिवीजन होगा तो डिवीजन के नीचे लिखना। ये ना कि यहाँ पे कॉपी भर गया तो फिर इधर लिख दीजिएगा, अरे बाबू यहाँ पे ऐसे इसी लाइन से ऐसे बढ़िएगा, एक साइड में बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है, इधर मेरा है डिवीजन तो डिवीजन का कंसेप्ट है ना, इसी तरह से बढ़ते जाना है। आई ना कि यहाँ भर गया था फिर इधर वाले लिख देना। समझ में आया सभी को? आया आरंभ बाबू समझ में? चलिए ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 हुआ बाबू। हाँ अब 5 6 7 फिर करते हैं, इसी में करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये सब याद रखिए, आप लोग तो सीखते नहीं हो ना। 5th नंबर बाबू +101 बाबू और +201। 6th नंबर बाबू 101 बाबू
और -201 था 7 नंबर बाबू, है ना? 7 नंबर क्या होगा बाबू? 101 -201 8 नंबर, 101 बाबू माइनस में और +201, इसको सालनी आप बताओ, और उसके बाद इस पे 50 को होमवर्क देते हैं आप लोग की, तो पढ़िएगा नहीं। सालनी आप बताओ, अब पापा जी आपके बैठे हुए हैं ना बगल में, पापा को भी बैठने कहिए, आप लोग पढ़िएगा नहीं की तो। देखिए बाबू डरना नहीं है, डरना नहीं, एकदम प्यार से पढ़ना, ठीक है ना? भय मत बनाइए, गलत होगा तो हमको और खुशी होता है कि आप लोग गलत बनाए, खुशी होता है बाबू, है ना? लेकिन गलत बनाइएगा तो पता चलेगा ना कि मेरा हम ऐसे बना रहे तो गलत पढ़ा है। सालनी बाबू बताइए, हमारी प्यारी से सालनी। हाँ सर बताते, पूरा बनाने दीजिए फिर बता देंगे। नहीं बाबू आप ऐसा कीजिए ना, आप बताते चलिए ना, बताते भी चलिए बनाते भी चलिए। सर फिफ्थ नंबर का होगा +302 +302 फिर सिक्स नंबर का होगा -302 -302 और फिर थर्ड नंबर का होगा रुके से बता रहे क्या हो गया सालनी बाबू? सालनी तुम्हें ना बहरा हुआ तो उससे क्या दिक्कत है, वो तो अपनी जगह ना बाबू, इसका बताइए ना, ये दो में नहीं बह रहा था इसमें नाक बहने लगा। सेवेंथ नंबर का होगा -100 -100 फिर एट नंबर का होगा +100 +100 तो इसी तरह से सोच सोच के बनाना अब इसको राइट। हाँ बाबू ठीक है, इसी तरह से बनाइए, राइट डाउन कीजिए, लिखिए जल्दी से। अन्यथा बाबू समझ में आ रहा है? अन्यथा ये हमारी अन्यथा बाबू, अच्छा डांस से कराटा कर रहे हो, कहाँ चली गई थी अन्यथा? अन्यथा बाबू बहुत शैतान है, अनम्यूट कीजिएगा तब ना। हमें काम करने गए थे। अच्छा काम करने गए थे बाबू, वाह। हाँ। समझ में आ रहा है ना साहब, आज जानते हो ना आप कि नहीं जानते हो? सर हम तो ये सब बहुत पहले ही से जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, लिख लिया आरन बाबू, आरन लिखे? यस सर। सर अब बोल रहे थे कि कोई और भी कराटा सीखता है? नहीं और कोई नहीं सीखता है, ये सब पता नहीं। आप लोग कोई कराटा सीखते हो बाबू? अन्य सब सीखती है सर, ऑनलाइन भी ऑफलाइन? ऑफलाइन बाबू ऑफलाइन, कराटे में ऑनलाइन कैसे होंगे? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये क्या हमको नहीं आता, आई डोंट नो बाबू। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आनंद बताएगा, तैयार रहिए आप लोग, और उसके बाद 50 क्वेश्चन देंगे इस पे, ठीक है ना? और सभी का सभी बनाना है आप लोग को, कि तो आज सिर्फ यही चलेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा बाबू, है ना? रिकॉर्डिंग भी हो रहा, वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट बाबू, 8 नंबर हुआ 9 नंबर, बताओ आनंद बाबू। आनंद 202 माइनस बाबू 153 10 नंबर बाबू, इसी में 202 बाबू -153 यहाँ भी माइनस 11 नंबर, ये प्लस कर दो बाबू, ये बहुत प्लस कर दो, फिर बाबू क्या है 202 -153 और 12 नंबर, जल्दी से बताओ आनंद, -202 -153 बाबू
सर पहला का होगा 3.5, कितना बाबू? प्लस 3.5 प्लस कितना? साउंड नहीं आ रहा। 3.55 अच्छा 3.55 चलिए अच्छी बात है। तो इसी तरह से पढ़िए 3.55 सेकंड बाबू सर 3.55 माइनस 3.5 चलिए अच्छी बात। थर्ड बाबू बता रहा हूँ सर बताइए समझ में आ रहा आरन आरन बाबू जहाँ जब वीडियो yes, सर हाँ बाबू तो प्लस आपके 59 प्लस 59 अच्छा प्लस 49 49 हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट बाबू ये प्लस कर दीजिए नेक्स्ट में बाबू ये प्लस कर दीजिए ठीक है ना। तो सर प्लस 49 प्लस 49 माइनस सर माइनस 49 हाँ माइनस 49 लिखो आरन बाबू जल्दी से लिखो आसान नहीं जल्दी से लिखिए। अब उसके बाद 20-25 होमवर्क देते हैं नहीं बनाए आरन बाबू तो आपको पीटेंगे गलत हुआ तो पीटेंगे कैतान हो गया हमको भी ना। हाँ साल नहीं बाबू आपको भी आते हैं ना रुकिए ना और दो चार स्टूडेंट आने भी जनता आते हैं आप लोग के यहाँ विजिटिंग करने के लिए। सबसे बड़ा शैतान आरन है खाली पबजी खाली फ्री फायर आज मैं क्रिकेट खेलूंगा आज मैं हॉकी खेलूंगा शाम को इवनिंग खेलूंगा। पहले तो बोलते थे हम पहले लिख लिया आरन बाबू सबसे बड़ा बदमाश है सब कर रहे हैं। हाँ तो थोड़ा जल्दी कीजिए और राइटिंग आपको तो और गंदा है डॉक्टर नहीं बनना है ठीक है ना। राइटिंग सुंदर सा लिखिए सही कहते हैं आप मेरे पास रहते ना तो हम आपको सुधार देते हैं जैसे यहाँ का स्टूडेंट है हमारे ये जो बिहार साइड के सभी स्टूडेंट मेरा डायग्नोस्टिक मॉर्निंग में देखते ही हो ना सर बचपन से मेरे आदत है ऐसी इंग्लिश का बाबू आदत है बैड हैबिट है ना बाबू मेरे बैड हैबिट है ना उसको सुधारना है ना वो बाबू गलत आदत है ना आपके पास जो हैबिट है वो गलत हैबिट है ना उसको इम्प्रूव करना है ना। सर लिखिए जल्दी एक लाइन लिखिए इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो लेकिन क्यों नहीं होता है कोशिश करते हैं बाबू लेकिन होता सर, हमको कोई कार्सिव लिखने को सिखाया भी नहीं था हम दूसरे का ही देख देख के सीख गए कैसे लिखते हैं लिख लिया आरन बाबू लिख लिए यस सर। चलिए अब होमवर्क इस पे बना के लाइएगा ठीक है ना। अब देते हैं होमवर्क 12 हुआ ना 20 होमवर्क देते बाबू उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे सर जो अभी बनाना है नहीं इसको बना के लाना अभी नहीं बनाना आगे आगे फिर हमको पढ़ाना है। आज संडे है ना बाबू तो संडे को वसूल करेंगे ना डेली हाफ आवर की क्लास होती है ना संडे भी है नेटवर्क भी सही है 12 नंबर 13 नंबर आप सुंदर सा फेयर में लिखना है समझे आरन बाबू। आप बाबू देखो इस तरह एक और बता देते फ्रैक्शन वाला एडिशन करने के लिए है ना फ्रैक्शन वाला एडिशन करने के लिए नहीं छोड़ो सिंपले देते हैं जी 237 बाबू प्लस 137 ठीक है ये माइनस यहाँ प्लस हो गया 14 नंबर इसी में बाबू माइनस 237 माइनस 137 15 नंबर एकदम इस पे आप कमांड होना चाहिए इस पे कमांड हो जाना चाहिए इस टाइप में माइनस 237 बाबू प्लस 137 16 नंबर ये बाबू प्लस 237 और माइनस 137 ठीक है 17 नंबर 1 आप थोड़ा बड़ा डिजिट लेते बहुत बच्चे वाला कर लिया ना 9696 बाबू माइनस 9595 ये दोनों प्लस ले लो 17 नंबर
18 नंबर 9696 बाबू 9595 माइनस ले लो सुंदर सा लिखना है आरन बाबू हाँ सर फेयर में अच्छे से लिख लेंगे हाँ बाबू आप सिर्फ खाली हवा ये करते हो खाली बोलते हो करते नहीं हो 9696 माइनस 9595 20 नंबर 9696 बाबू है ना ये माइनस और ये प्लस 9595 20 हो गया 21 बाबू और कॉपी में बार बार बोल रहे हैं ना आपको कैसे लिखना है इसी तरह से बढ़ते जाना है जैसे मान लीजिए इधर तीसरी लाइन है बाबू तो इसी स्लॉट में आपको आगे बढ़ते मूव करते जाना है बीच वाले में नहीं करना पेज मान लीजिए मेरा यहाँ पे पेज भर गया जैसे मानिए बाबू यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर शांति से देखो तीन स्लॉट है ना बाबू वन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो मान लीजिए यहाँ पे लिखते लिखते पेज भर गया तो अगला पेज आएगा तो नेक्स्ट पेज पे बाबू आप लोग को भी इसी तरह से मूव करना जैसे यहाँ से ऐसे ही मूव करते जाना फिर मल्टीप्लिकेशन वाला बताएंगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन लिखना फिर डिवीजन वाला बताएंगे डिवीजन लिखना ठीक है 21 नंबर बाबू 9 से 20 नंबर क्या है बाबू 9761 माइनस 97621 बोथ पॉजिटिव ट्वेंटी टू नंबर 97621 बाबू माइनस 97621 बोथ निगेटिव 23 नंबर बाबू माइनस 97621 एक पॉजिटिव एक निगेटिव 97621 बाबू और प्लस 97621 ये निगेटिव गलत नहीं लिखना आरन बाबू आप हमेशा कहते हैं ना बाबू सर मेरा तो हमने गलती से प्लस लिखा ओके ये हैबिट आप लोग सुधारिए आरन आप हमें सर प्लस था हमने तो माइनस लिख लिया सर यहाँ 5 था हमने तो 4 लिख लिया लिखे बाबू कहीं कोई डिजिट अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो और इतना बना के लाना आगे फिर अभी बताते हैं अभी छोड़ेंगे थोड़ी आप लोग को हाँ बाबू बोलिए आनंद हाँ बाबू तो प्रैक्टिस होगा ना आप स्पेशल थोड़ी है प्रैक्टिस होगा बाबू तभी लिखिए हाँ बाबू सम करना है जल्दी से लिखिए ये चला क्यों गया आरन अब हमको एक मोबाइल रखना पड़ेगा शैतान है शैतान आएगा तो कहेगा सर बाथरूम चलेगा जल्दी लिखे बाबू एक मिनट में वीडियो डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग पुनः कनेक्ट कीजिएगा और उसको पहले आरन को फोन लगाते हैं पढ़ेगा नहीं कि तो इसके बाद क्या सिखाते बाबू मल्टीप्लिकेशन सीखने की कोशिश कीजिए समझ में आ रहा है सालनी हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है अब याद हो गया ना यस सर चलिए